वाराणसी से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी में ईंट से प्रहार कर सिर खुच कर की गई हत्या। भीमूपुर थाना क्षेत्र के बचबीहा लखराव इलाके में नशेड़ी युवक की हत्या। भीमूपुर थाना क्षेत्र के लखराव इलाके के खाली प्लाट में इरशाद 18 नामक युवक की मिली लाश खून पर ईंट या पत्थर का प्रहार कर की गई है हत्या। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरशाद नशे करने का आदि था और पिछले 3 महीने से घर पर नहीं रहता था और नशेड़ियों के साथ ही घूमता रहता था। इरशाद की लाश के आसपास कप सिर्फ की खाली बोतलें मिली है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नशेड़ियों के बीच ही किसी तरह के विवाद के बाद इरशाद का मूल पूछकर हत्या की गई है। पुलिस मौके पर है। मौके पर भीमूपुर थाने की पुलिस पहुंचकर लाश को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या किन कारणों से की गई है भीमूपुर पुलिस तहकीकात में जुटी। मामला है आज सुबह लगभग 6:30 बजे पुलिस सूचना मिली की बजट डिहा में चौभड़वा पोखरी पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी पहचान मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई है जो वहीं बजटिया का रहने वाला है। पहचान के बाद से घर वाले भी आए और इसको पिता का जवानों का ध्यान दे चुका है। इसके भाई बताया कि लॉकडाउन पहले ही घर से चला गया था और कल शाम को आया था। कल शाम को चाचा के यहाँ गया और अपने घर पर गया लेकिन घर के अंदर नहीं गया। उसके बाद ही देखा नहीं गया। उनके घर वालों का चाचा कहना है कि शाम के बाद ही दिखा नहीं और सुबह इसकी लाश वहाँ चौबड़वा पोखरी पर मिली है। इसके चेहरे पर चोट के निशान है और इसके 3-4 दांत टूटे हुए हैं। एक चोट के निशान आपके ऊपर है और उसमें पंचायत में भरकर उसकी जो है डेड बॉडी पोस्टमार्टम में पहुँचा दी गई है और मुकदमा लिख कर अज्ञात मुकदमा लिखा गया है शरीर पर और कुछ पुलिस कार्रवाई विधि कार्रवाई की गई है। क्या लग रहा है ये हत्या है? हाँ, ये चेहरे पर जिससे चोट है बिल्कुल हत्या का घटना स्पष्ट है और हत्या खुलासे के लिए इंस्पेक्टर नेतृत्व में 3 SI और 3 कांस्टेबलों की टीम बना दी गई है। आसपास जो कैमरे लगे हुए हैं उनको फुटेज देने का प्रयास किया जा रहा है तथा जो सूत्र हैं और मुखबिर जरिए सूचना एकत्र की जा रही है कि तो वहाँ पर कितने बजे पहुँचा होगा और इसके साथ कौन गए। ऐसा प्रतीत होता है कुछ विवाद वगैरह में आकस्मिक रूप से घटना घटी है। जल्द ही सब खुलासा हो जाएगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? अंसारी। जो ये घटना हुई है आपके क्या लगते थे और क्या नाम था? छोटे भाई इरशाद अंसारी। क्या घटना हुई है भैया? घटना के पीछे तो लोग तो ऐसा लग रहा है कि मारा हुआ है। आप लोगों को सूचना कब मिली? सूचना में सुबह 5:30 बजे मिला है। घर पे कोई आया हुआ था। तो आपने मौके पर जाके देखा था, क्या देखा? सर देखे कि वहाँ पड़ा हुआ था लाश। क्या कहीं चोट के निशान थे? जी। कहाँ पे? सर पे। तो क्या ईंटे से कूच के हत्या हुई है? जी जी, लगते हुए ऐसे ही रहा। किसी के ऊपर शक आपका? जी, ऐसा तो कोई शक नहीं। क्या करते थे ये? ये बस नवाई मतलब घूमना खाना यही इनको इनसे मांग के करना खाना। घर नहीं रहता? नहीं, 4-5 साल से इसके पीछे हम लोग बहुत पड़ रहा था। यहाँ तक पटना 1-2 साल 2.5 साल पहले पटना वहाँ पे हॉस्टल में पढ़ाने के लिए आदमी रखा गया कि वहाँ पर वहाँ से खा के चला आया। फिर लगभग मतलब 2-3 महीने घर से गायब रहता। आएगा भी 10 दिन 5 दिन रहेगा, उसके बाद बस भाग जाएगा। नशे का आदि था? जी।